मंगलवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कोरोना वायरस के खिलाफ बड़ा फैसला लिया है। सीएम ने कहा कि सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक सिर्फ जरूरी सामानों की दुकानें खुली रहेगी। रात 8 बजे से धारा 44 लागू हो जाएगा। इसके साथ ही सरकार ने गरीब लोगों के लिए मदद का ऐलान भी किया है। सीएम ठाकरे ने कहा कि अगले 1 महीने तक 7 करोड़ लोगों को राज्य सरकार की ओर से 3 किलो गेहूँ और 1 किलो चावल दिया जाएगा। इनके पास राशन कार्ड होगा, वह सरकारी कोटे से इसे ले सकेगा। इसके साथ 12 लाख मजदूरों को 1500 रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी। रिक्शा चालकों को भी 1500 रुपये दिए जाएंगे। आदिवासियों को 2000 रुपये दिए जाएंगे। वहीं सभी जिलाधिकारियों को भी एक निश्चित राशि दी जाएगी, इससे वे अपने जिले में कोरोना से संबंधित आवश्यक प्रबंधक कर सकें। सीएम ने अपने संबोधन में कहा कि यह लॉकडाउन नहीं है, लेकिन शक्ति रहेगी। सीएम उद्धव ठाकरे ने ऐलान करते हुए कहा कि बुधवार रात 8 बजे से ब्रेक द चेन अभियान शुरू होगा। पूरे महाराष्ट्र में जरूरी सेवाओं को छोड़कर सभी सेवाएं बंद रहेगी। 15 दिन तक सिर्फ जरूरी सेवाएं जारी रहेगी। बेवजह के आवागमन पर पाबंदी रहेगी। यह एक तरह से संचार बंदी है। पूरे राज्य में धारा 144 लागू होगी। इस दौरान लोकल ट्रेन, बसें, ऑटो, टैक्सी की सेवाएं जारी रहेगी। जरूरी सेवाएं सुबह 7 बजे से रात के 8 बजे तक खुली रहेगी। इसके अलावा गाइडलाइंस में कहा गया है कि ऑटो रिक्शा में ड्राइवर के अतिरिक्त 2 सवारियां बैठ सकेंगी। 4 पहिया टैक्सी में RTI नियमों के हिसाब से सवारी क्षमता का 50% बैठ सकेगी। बसों में सीट की क्षमता के हिसाब से लोग यात्रा कर सकते हैं। खड़े होकर यात्रा करने पर प्रतिबंध रहेगा।